गढ़वा जिला के युवक की मुंबई के नासिक में हुई मौत, झारखंड से बाहर गए मजदूरों की मौत की खबर बराबर आती ही रहती है। एक परिवार के लिए इससे भी बड़ा दुख भरा समय और क्या हो सकता है जब उसका पुत्र मात्र 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह जाए। परिवार की जिम्मेवारी लेते हुए युवक मुंबई के नासिक में गया हुआ था। दो पैसा कमाकर युवक अपना और अपने परिवार के लिए नासिक में किसी कंपनी में गाड़ी चलाता था। परिजनों ने बताया कि लड़का बहुत ही सरल और सुशील स्वभाव का था। गढ़वा से बाहर गए मजदूर की मौत की खबर यह कोई नई नहीं है, इसके अलावा भी आए दिन इसी तरह की जुड़ी खबरें आती ही रहती है। किसी के निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मौत हो जाती है तो कोई बीमार हो जाता है और समुचित इलाज नहीं होने की वजह से उसकी असामयिक मौत हो जाती है। क्षेत्र के प्रतिनिधि उन्हें आश्वासन तो देते हैं लेकिन बड़े स्तर पर उन्हें आर्थिक सहयोग नहीं दी जाती। बेकार की खबरों को शेयर करने से अच्छा है इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि जो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनके पास खबर जाए और गरीब परिवार के आर्थिक सहयोग के लिए बड़ा निर्णय हो सके, लोगों में इस बात को लेकर चर्चाएं हो, क्योंकि क्षेत्र में रोजगार की कमी की वजह से ही हमारे बेरोजगार युवा दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। अनुमंडल ब्यूरो राहुल वर्मा की रिपोर्ट। गढ़वा जिला के रमना थाना क्षेत्र के टंडवा गांव निवासी जमुना सिंह का 19 वर्षीय पुत्र राजा सिंह की मौत महाराष्ट्र के नासिक में हो गई। जानकारी के अनुसार राजा सिंह का शव उसके कमरा में कपड़े के सहारे लटकता हुआ पाया गया। बताया जाता है कि युवक 24 जून को ही नासिक गया था, वहां वह गाड़ी चलाया करता था। इधर परिजनों ने बताया कि वे लोग राजा सिंह से लगातार संपर्क में थे, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई विवाद नहीं था। एक दिन पूर्व शुक्रवार को अपने साथ रह रहे गांव के साथियों से ड्यूटी नहीं जाने की बात कहकर वह कमरा में ही रह गया, जिसके बाद रात्रि लगभग 8:30 बजे साथियों के आने के बाद उसका दरवाजा बंद मिला। आवाज देने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला तो कंपनी के कर्मियों को बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया, जिसमें राजा का शव कपड़े के सहारे झूलता हुआ मिला। मृतक के चाचा सह पंसंस बुधन सिंह ने बताया कि राजा सिंह बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था, उसका किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। इधर राजा की मौत की सूचना पर पूरा गांव शोक में डूब गया है। खबर लिखे जाने तक 100 गांव नहीं पहुंचा था। जरूरी खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। रोहित की रसोई की मसाले अब आपकी रसोई में शुद्धता और स्वाद के साथ सभी प्रकार के मसाले और खड़ा मसालों के संग्रह, अच्छे मार्जिन के लिए हमारे उत्पादों पर डिस्ट्रीब्यूटर बने।